मां काली और धारी देवी के संदर्भ में। भविष्य मालिका के अनुसार मां काली प्रकृति हैं, अधर्म और बुराई से प्रकृति अशांत हो जाएगी। देवासुर संग्राम के समय जिस तरह मां काली ने संहार किया था, वैसा ही संहार कलयुग के अंत में मां काली फिर करेंगी। और मां काली का ये संहार शुरू हो चुका है 64 योगिनियों के रूप में। नमस्कार, जर्नलिस्ट गुरु चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ कौशिक। जर्नलिस्ट गुरु चैनल के इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड के जोशी मठ में मां काली के प्रकोप से हो रही अनहोनी की, जिसे देखकर ये साफ हो जाता है कि दुनिया में एक बड़ा महाविनाश दस्तक दे रहा है। मां काली प्रकृति हैं और लोगों की आस्था भी। साल 2013 में उत्तराखंड में धारी देवी के रूप में मां काली की मूर्ति का स्थान जैसे ही बदला गया, शुरू हो गया उत्तराखंड पर देवी का प्रकोप। 10 साल से उत्तराखंड पर धारी देवी का प्रकोप है। उत्तराखंड के 4 धाम खतरे में हैं, ये तो अब सब जानने लगे हैं। लेकिन कई लोगों को उम्मीद है कि धारी देवी की मूर्ति को पुनर्स्थापित करने से जोशीमठ, 4 धाम और उत्तराखंड पर आया संकट टल जाएगा। लेकिन जर्नलिस्ट गुरु चैनल यहां दावे के साथ कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब धारी देवी या मां काली के 64 रूप जागृत हो गए हैं एक बड़े महाविनाश के लिए। और इसका प्रमाण हमें मिलता है जोशी मठ के 64 योगिनी मंदिर से। जोशी मठ से महाविनाश का बड़ा प्रमाण, जोशी मठ के 64 योगिनी मंदिर में दरार। खत्म हुआ कलयुग, सच हुई भविष्य मालिका की भविष्यवाणी। जोशी मठ के ज्योतिर्मठ में स्थापित है 64 योगिनी मंदिर। जोशी मठ के जमीन में लगातार धसने की खबरों के बीच एक बेहद खतरनाक और भयावह घटना यहां घट रही है। 64 योगिनी मंदिर में जहां योगिनियों की मूर्तियां स्थापित हैं, वहां दरार आ चुकी है। ये दरार दिन बर दिन बढ़ रही है। भले ही मंदिर की व्यवस्था देखने वाले लोग हो या फिर आपदा से निपटने में लगे विशेषज्ञ, मंदिर को बचाने के लिए क्या करें, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि जोशी मठ में तो कई बड़े मंदिर और देवस्थान दरक रहे हैं, फिर भला यहाँ हम 64 योगिनी मंदिर के दरकने को लेकर आपको अलग से क्यों बता रहे हैं। तो इसके लिए आपको 64 योगिनियों का रहस्य और द्वापर युग में श्री कृष्ण के मां काली को दिए गए वचन को समझना होगा। 5000 साल पहले महाभारत युद्ध के आखिरी दिन भगवान कृष्ण योगमाया यानी मां काली से कहते हैं कि यह युद्ध अभी पूरा नहीं हुआ है, आपको रक्तपान का अवसर जरूर मिलेगा, पर इस महायुद्ध और इस युग में नहीं बल्कि कलयुग में देवी काली आपकी रक्तपान की इच्छा जरूर पूरी होगी, लेकिन कलयुग के अंत में। दरअसल 500 साल पुराने संत अच्युतानंद दास और पंचसखा के ग्रंथ भविष्य मालिका के अनुसार कलयुग की आयु 5000 साल की है। द्वापर युग के अंत से थोड़ा पहले महाभारत का युद्ध हुआ था। पुरानी ओडिया भाषा में लिखे गए ग्रंथ भविष्य मालिका के अनुसार जब द्वापर युग के अंत में महाभारत के युद्ध का आखिरी दिन चल रहा था, तब मां काली ने भगवान कृष्ण से रक्तपान करने की इच्छा जाहिर की थी। इस पर भगवान कृष्ण ने मां काली को ये कहकर रोक दिया था कि ये महायुद्ध अभी पूरा नहीं हुआ है और इसका बचा हुआ भाग अभी बाकी है। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक महाभारत का युद्ध तीसरा महायुद्ध था और ये कुल 17.5 दिन चला था। आधे दिन का युद्ध पूरा नहीं हो सका था। मां काली ने जैसे पहले महायुद्ध यानी देवासुर संग्राम के समय रक्तपान किया था, वैसा ही रक्तपान मां काली महाभारत के युद्ध में भी करना चाहती थी। लेकिन भविष्य मालिका के अनुसार मां काली की रक्तपान की इच्छा अब कलयुग के अंतिम कालखंड में पूरी होने जा रही है। 64 योगिनी की मान्यता। देवी के भक्तों के लिए 64 योगिनी का बड़ा महत्व है। भारत में हमेशा से मंत्र और तंत्र के जरिए साधना करने वाले साधक 64 योगिनी की पूजा करते आए हैं। जोशीमठ के ज्योतिर्मठ में 64 योगिनी मंदिर के अलावा भारत में 64 योगिनी के कुल 4 बड़े मंदिर हैं।
इनमें से दो मंदिर मध्य प्रदेश के मुरैना और जबलपुर जिले में हैं, वहीं दो और मंदिर ओडिशा में खोरधा और बालांगीर जिले में हैं। इन 64 योगिनी मंदिरों में तांत्रिक साधना का महत्व हमेशा से बहुत विशेष रहा है। हर देवी को सिद्ध करने का एक अलग मंत्र है। अब जानते हैं 64 योगिनी का रहस्य। नंबर एक, योगिनियों को मां काली का अवतार माना गया है। धारी देवी भी मां काली का ही रूप है। नंबर दो, एक मान्यता है कि मां काली ने घोर नाम के राक्षस का वध करने के लिए 64 योगिनी अवतार लिए थे। नंबर तीन, योगिनियों का संबंध काली कुल से है और ये सभी तंत्र और योग विद्या से गहरा संबंध रखती हैं, इसीलिए ज्यादातर तांत्रिक इनकी साधना करते हैं। नंबर चार, कहा जाता है कि कोई व्यक्ति अगर 64 में से किसी एक योगिनी को भी साधना के जरिए जागृत कर ले तो उसके पास असीमित शक्तियां आ जाती हैं, जैसे रावण के पुत्रों ने पाताल भैरवी योगिनी को जागृत किया था। नंबर पांच, एक संपूर्ण पुरुष 32 कलाओं से युक्त होता है, वहीं एक संपूर्ण स्त्री में भी 32 कलाएं होती हैं, यानी दोनों को मिलाकर होता है 32+32 यानी 64। यहां यह माना जा सकता है कि 64 योगिनी शिव और पार्वती के मिलन से प्रकट हुई हैं। अब जानते हैं कि कैसे मां काली की धरती पर अधर्मी लोगों के रक्तपान की इच्छा पूरी होनी शुरू हो चुकी है। इसके लिए हमें समझना होगा धरती पर मां काली का वो रूप जो हमें मिलता है 64 योगिनियों में। मां काली को आदिशक्ति देवी का स्वरूप माना गया है। भविष्य मालिका के अनुसार मां काली के 64 रूप धरती पर संहार का काम शुरू कर चुके हैं। मां काली के इन 64 सूक्ष्म में से हर एक रूप को कहते हैं योगिनी, यानी 64 योगिनी शुरू कर चुकी हैं धरती पर अब तक का सबसे बड़ा विध्वंस। भविष्य मालिका के अनुसार धरती पर महाविनाश और कलयुग के अंत के संकेत हमें चारों धाम और पुरातन मंदिरों से देखने को मिलेंगे, और वो संकेत हमें जोशी मठ के ज्योतिर्मठ से आज साफ मिल गया है। योगिनी अपना काम शुरू कर चुकी हैं। इसका सबसे बड़ा प्रमाण है 64 योगिनी मंदिर ज्योतिर्मठ में पड़ रही दरार। चाहे वो महामारी हो या प्राकृतिक विनाश, एक एक योगिनी के पास विध्वंस की एक एक बड़ी शक्ति है। 64 योगिनियां मिलाकर विध्वंस की एक बड़ी महाशक्ति बनती है। तो सोचिए, जब एक एक कर धरती पर सभी योगिनियां जागृत हो जाएंगी तब क्या होगा? यानी साल 2022 से साल 2029 के बीच महामारी से लेके कुदरत का कहर और तीसरा विश्व युद्ध सब कुछ करेगा विध्वंस, साथ ही इस तरह होगा महाविनाश और कलयुग का अंत। यानी उत्तराखंड में जो हो रहा है वो तो केवल झांकी है। जल्द ही पूरा होगा श्री कृष्ण का मां काली को द्वापर युग में दिया गया वचन और पूरी होगी मां काली की रक्तपान की इच्छा। ज्योतिर्मठ में 64 योगिनी मंदिर में आ रही दरार और भविष्य मालिका की भविष्यवाणी के बारे में आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। यहां हम आपको स्पष्ट कर दें कि भविष्य मालिका के मुताबिक कलयुग के अंत में चाहे दुनिया में जो भी हो, कैसी भी मुश्किलें आए, लेकिन मन के सच्चे लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। भगवान खुद युग परिवर्तन के दौर में उनकी रक्षा करेंगे। आप हमारे चैनल जर्नलिस्ट गुरु में भविष्य मालिका की वीडियोस की प्लेलिस्ट में जाकर इस विषय पर और भी वीडियो देख सकते हैं। आप जान सकते हैं कि कलयुग के अंत, महाविनाश और भगवान कल्कि के बारे में भविष्य मालिका में क्या लिखा है। इस वीडियो को देखने के बाद प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करें। जर्नलिस्ट गुरु चैनल के वीडियो आप तक पहुंचते रहें, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इसके अलावा किस टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।